राजेश खन्ना ने क्यों ठुकराया टीना मुन्नी का रिश्ता। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना फिल्मों के साथ साथ असल जिंदगी में भी खूब रोमांटिक थे। कई अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ चुका है। पहले उनका अफेयर अंजू मेहंद्रू के साथ चला। उनका यह अफेयर तकरीबन 7 सालों तक चला, लेकिन फिर उनका रिश्ता टूट गया, जिसके बाद कई सालों तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। अंजू महेंद्रू के बाद उनकी जिंदगी में आई डिंपल कपाड़िया। डिंपल और राजेश खन्ना की जब शादी हुई तब न जाने कितने दिल टूटे होंगे, लेकिन हर फिल्मी कहानी की तरह इन दोनों की लव स्टोरी का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। एक बार वे दोनों समंदर के किनारे एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। उसी दौरान राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद दोनों की शाही शादी हुई, लेकिन फिर अचानक साल 1984 में डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना अलग हो गए, लेकिन दोनों ने ही तलाक नहीं लिया। डिंपल कपाड़िया से अलग होने के दौरान ही राजेश खन्ना और टीना मुनीम एक दूसरे के करीब आए। हालांकि राजेश खन्ना ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। उनके इनकार की वजह थी उनकी 2 बेटियां। राजेश खन्ना को लगा कि इसका उन पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर साल 2012 में राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन के बाद अनीता आडवाणी नामक महिला का भी नाम सामने आया। अनीता आडवाणी का यह कहना था कि वो राजेश खन्ना के 7 सालों तक लिविन में रही। उन्होंने राजेश खन्ना के बंगले पर अपना हक भी मांगा था।